Hello dear students, so I am back with next phylum, that is phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora, commonly known as sea walnut or comb jelly. Sea walnut or comb jellies. These are exclusively marine means these are found only in the marine, that is either sea or ocean, nowhere else. That means ये सिर्फ sea या ocean में होते हैं, कहीं और नहीं पाया जाता. Now next is symmetry is radial. Radial means as we discussed earlier, if you will cut its body by taking the axis from any part of the body, then you can divide it into two equally parts by taking axis only. Na, कहीं से भी divide करो, चाहे इधर इधर इधर, two equal halves में divide कर सकते हैं. That is radial symmetry. Now germ layer diploblastic. Two germ layers are found, so these are called diplo. ब्लास्टिक. कितने जर्म लेयर्स हैं? टू जर्म लेयर्स आर फाउंड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल, दैट मींस कि सेल्स आर अरेंज्ड एंड फॉर्म्ड टिश्यू. बॉडी बेयर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स. एज यू कैन सी दिस डायग्राम ऑफ प्लूरोब्रैकिया, क्या है इसमें? बॉडी के अंदर एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स. ये जो एट रोज देख रहे हैं आपको, इसमें सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, दिस इज द सिलिएटेड कॉम्प्लेट. सो ये होगा इसके बॉडी में. एंड दीज सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हेल्प इन द लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प कराता है. वी ऑलरेडी नो कि सीलिया हो गया, सुडोपोडिया होगा, फ्लैजिला हो गया, ऑल दीज हेल्प्स इन लोकोमोशन, मूवमेंट. नाउ डाइजेशन. डाइजेशन क्या होगा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर. नेक्स्ट इज बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी. दीज ऑर्गेनिजम्स स्टीनोफोर्स आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स वॉट? आर हैविंग द एबिलिटी टू इमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी. अपनी बॉडी से ये क्या कर सकते हैं? लाइट को इमिट कर सकते हैं, लाइट निकाल सकते हैं. दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस. नाउ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन. नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन दिस. एंड बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ये जो टीनोफोर्स है ये बायसेक्सुअल है. दैट मीन मेल एंड फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होता है. बायसेक्सुअल इज ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट. सो ये हर्माफ्रोडाइट हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे. बट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल नहीं है. फॉर फर्टिलाइजेशन इट नीड्स एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स कि जायगोट से जो एग प्रोड्यूस हुआ, फ्यूजन ऑफ द एग, एंड आफ्टर फ्यूजन ऑफ द एग सीधा ही डायरेक्ट न्यू इंडिविजुअल नहीं आएगा. इंटरमीडिएट स्टेजेस आएंगे, दैट इज द लार्वल स्टेज. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, न्यू इंडिविजुअल बनने के पहले उसमें जो मेटामॉर्फोसिस होगा, दैट स्टेज विल बी देयर, लार्वल स्टेज. एग्जाम्पल आर टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया. दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्लूरोब्रैकिया. आर नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस.